केविन ओवंस 200 सेमी को धोखा दे सकते हैं, ये कहना मेरा नहीं, ये कहना दोस्तों एक बड़े एक्सपर्ट का है। क्या कुछ आगे होने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सब चीजों पर जाने से पहले आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है। 13 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि चैनल को हम रीलॉन्च कर रहे हैं जल्द, और उसकी डेट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं, सब कुछ नया होगा। और गाइस बात की जाए WHG फैमिली की, तो वो पहले से ज्यादा बड़ी हो चुकी है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को कर दीजिएगा शुरू में लाइक। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों स्मैकडाउन की, तो कल दोस्तों हमें वन ऑफ द बिगेस्ट स्मैकडाउन हिस्ट्री की देखने को मिलेगी, क्योंकि रॉयल रंबल के बाद जो टेंशन है ब्लड लाइन में वो दोस्तों देखने वाली हो चुकी है। तो टेंशन इतनी ज्यादा बिल्ड हो चुकी है कि गाइस मुझे भी टेंशन हो गई है। जहां गाइस कल हम लोगों को देखने को मिलेगी सबसे पहली चीज जो कि रहेगी टैग टीम टूर्नामेंट के फिनाले, तो जो हमारे अपने रिकोशे एंड ब्रॉन स्टॉर्म में रहना वो इंपीरियम को फेस करने वाले हैं। मैच आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा, और ये दोस्तों बताया जा रहा है ज़ेरो न्यूज़ के द्वारा कि इसे शुरू में इसलिए रखा जा रहा है ताकि दोस्तों जो स्मैकडाउन है उसकी रेटिंग में ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी लाया जाए। ये मैच दोस्तों काफी औसम जाएगा, एंड आई थिंक दोस्तों इसके अंदर इंपीरियम जीतेगी, जिसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी ह्यूज है, और ये होने जा रहा है रे मिस्टीरियो, केरियन क्रॉस, मॉस एंड एस्कोबार का। तो ये मैच भी दोस्तों लीक बताया जा रहा है कि ये जो मैच होने वाला है एक फैटल फोर वे मैच होगा, जो इसके अंदर जीतेगा दोस्तों वो आगे जाकर गंथर को उनकी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए फेस करेगा। तो दोस्तों नंबर वन कंटेंडरशिप का मैच भी होना है, जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोग को देखने को मिलेगी स्मैकडाउन वुमन चैंपियनशिप का मैच। तो गाइस शार्लेट वर्सेस सोनिया डेविल एक ऐसा मैच जिसका रिजल्ट आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, इसका मैच दोस्तों शार्लेट फ्लेयर की जीत के द्वारा आएगा, सोनिया की 0% चांस है। रही बात रीजन क्या है, रीजन बस यही है कि गाइस जो हमारी अपनी अरिया है उन्होंने शार्लेट को फेस कर दिया है, मैच लॉक्ड हो गया है रेसलमेनिया के लिए। तो ऐसे में दोस्तों ये जस्ट कामापूर्ति वाला मैच है, और इसके अंदर दोस्तों शार्लेट फ्लेयर ही जीतेगी। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगा दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जहां दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का फेस ऑफ होने वाला है सेमी जेन के साथ। तो यहां दोस्तों सेगमेंट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट ये आई है कि इसके अंदर ट्राइबल चीफ आने वाले हैं, इसके अंदर सेमी जेन भी होंगे, बट इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को जेउसो देखने को नहीं मिलेंगे। जेउसो को दोस्तों स्टोरी लाइन को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए हटा दिया गया है, और कल की स्मैकडाउन का पार्ट नहीं होने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है ये कि केविन ओवंस का क्या रोल वहां रहता है, या केविन ओवंस आकर सेमी जेन की मदद करते हैं या फिर धोखा, वो तो दोस्तों आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं चाहूंगा वीडियो को दोस्तों आप यहीं पॉज करके लाइक कर दीजिएगा, वीडियो का लाइक टारगेट दोस्तों हम रखेंगे यहीं के यहीं 2500 लाइक का। वह सबसे पहली न्यूज जो आज के हमारे जुड़ी है वो जुड़ी है WWE के रेवेन्यू 2022 से। तो कहते हैं WWE खत्म हो गई है, तो जो भी कहता है वो महामूर्ख है, क्योंकि दोस्तों WWE अब जस्ट शुरू हुई है, क्योंकि हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है WWE वालों ने जनरेट करके दिखा दी है। 2022 में दोस्तों $1.3 बिलियन WWE वालों ने कमाए हैं, एंड बताया जा रहा है दोस्तों ये हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कमाई है WWE की। इवन दोस्तों साल 2022 में उतना भी बड़ा कुछ नहीं हुआ था जितना कि दोस्तों हम लोगों ने देखा है पास्ट में उससे पहले, लेकिन 2022 में जो बढ़िया बढ़िया चीजें हुई वो ये कि HHH पावर में आए एंड में, और साथ साथ दोस्तों पूरे साल हम लोगों को एक से बढ़कर एक रिटर्न्स देखने को मिले, एंड ट्राइबल चीफ ऑब्वियसली दोस्तों नीडल मूवर है, इससे पता चलता है। बात कर लेते हैं दोस्तों अब WWE की इस साल की, इस साल दोस्तों और भी ज्यादा कमाई होने वाली है, हो सकता है कि आगे जाकर आपको पूरे रिंग पर स्टिकर्स देखने को मिले। अब आप पूछेंगे गौरव भाई ये क्या बोल रहे हो, पूरे रिंग में वो भी स्टिकर्स, तो जो मैट रहता है ना उसके ऊपर आपको बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू रिंग साइड न्यूज बताया जा रहा है There's been talk at WWE about monetizing the ring assets. तो guys, जैसे जो ropes रहती है और जो mats रहते हैं उन्हें monetize करने के बारे में विचार हो रहा है। आप UFC देखते होंगे तो उसके mat पर दोस्तों आप brands पढ़ते होंगे, जैसे कि Harley Davidson हुआ, Nike हुआ, तो ये सब ब्रांड्स दोस्तों अपने आप को प्रमोट करने के लिए दोस्तों वहाँ पैसे देते हैं और इनके स्टिकर्स आपको मैट पर दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे WWE के अंदर आगे हो सकता है, और निक खान ने दोस्तों इस चीज़ के ऊपर पुष्टि दी है। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने रिक फ्लेयर की, तो नेचर बॉय रिक फ्लेयर ने दोस्तों अकनॉलेज कर दिया ट्राइबल चीफ को। तो ट्राइबल चीफ पर दोस्तों उन्होंने एक पोस्ट डाली है, आप जाकर देख भी सकते हैं ट्विटर पर, और ट्विटर पर दोस्तों मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिक फ्लेयर ने दोस्तों लिखा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आगे दोस्तों उन्होंने रोमन रेंस को टैग किया है, जिस पर रोमन रेंस का रिएक्शन आया है वी आर द वन। तो यहाँ दोस्तों रिक फ्लेयर ने तारीफ की है रोमन की और रिस्पेक्ट उन्हें दी है, प्लस दोस्तों ट्राइबल चीफ ने भी उन्हें एक्नॉलेज कर लिया है। अब यहाँ रिक फ्लेयर के बारे में तो मैं बोल गया, हल्क होगन चाहते हैं कि वो ब्लड लाइन का हिस्सा हो। अब आप बोलेंगे ये क्या है, तो यही है दोस्तों, हाल ही में हल्क होगन ने ये चीज कही है कि वो परेशान आ चुके हल्क मेनिया के डायलॉग्स कहते कहते, अब उन्हें ऊस बनना है
RSM ब्लड लाइन को ज्वाइन करना चाहते हैं। जहां बात करूं दोस्तों हल्क होगन की, हल्क होगन पर अभी कुछ दिन पहले अपडेट आई थी कि उनकी टांगे नहीं चल रही है, यहां दोस्तों हल्क होगन चाहते हैं कि वो ब्लड लाइन का हिस्सा हो। तो अपने आप में दोस्तों काफी अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिए हल्क होगन ने, इतने साल के हो चुके हैं और अब ब्लड लाइन का हिस्सा होते हैं, वो भी बिना किसी ब्लड लाइन के होते हुए, क्योंकि आप जानते हैं वो भी दोस्तों कोई ऊसो नहीं है। तो यहाँ दोस्तों हल्क होगन जुड़ना चाहते हैं, इस पर आप क्या टिप्पणी कीजिएगा बताएगा जरूर। बात कर लेते हैं दोस्तों अपने ट्राइबल चीफ की। तो ट्राइबल चीफ पर दोस्तों एक और रिकॉर्ड बन गया है। तो ये रिकॉर्ड है दोस्तों कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है कि उनकी पिन फॉल नहीं हुई। तो 15 दिसंबर 2019 को दोस्तों उनकी पिन हुई थी, 15 दिसंबर से लेकर अभी तक कोई उन्हें 1-2-3 नहीं कर पाया। तो किसी ने उनका 1-2-3 नहीं किया है, कॉर्बिन दे शायद से लास्ट व्यक्ति जिन्होंने उनका पिन फॉल लिया था। तो ट्राइबल चीफ हराए नहीं हार रहे दोस्तों। बात कर लेते उस बंदे की जो हरा सकता है, उन्हें तो कोडी हरा सकते हैं। सब लोग जानते हैं कि कोडी के ऑड्स काफ़ी बढ़िया है रेसलमेनिया के लिए कि वो ट्राइबल चीफ को डिथ्रोन करे। बट कोडी का क्या मानना है, कोडी ने ये चीज़ कही है हाल ही में द बंप में कि वो जो ईगल वाली बेल्ट रहती है ना, वन विंग्ड ईगल वाली, वो बेल्ट वापस लाना चाहते हैं। इससे पहले दोस्तों उन्होंने स्टोरी में भी पुट किया था उसे, तो इसका मतलब साफ है कि गाइस वो WWE को पुराने जैसा बनाना चाहते हैं। अगर वो चैंपियनशिप की बेल्ट आती है ना, तो वाकई में रेसलिंग की दुनिया में उफान आ जाएगा, क्योंकि बेल्ट तो दोस्तों बहुत क्लासिक है और करंट चैंपियनशिप बेल्ट से तो बहुत अच्छी है। बात कर लेते दोस्तों बैट बने की। तो लोगन पॉल दोस्तों सेथ रॉलिंस के ऊपर शॉट लिए, उन्हें उन्होंने दोस्तों क्लाउन दिखाया, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वह लोगन पॉल पर तो दोस्तों मैंने मजाक में अपडेट दे दी, लेकिन बैड बनी पर क्या अपडेट है? बैड बनी के पास दोस्तों लोगन पॉल के जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसलिए दोस्तों वो नहीं दिखाई दिए अभी तक। रही बात बैड बनी की, तो ट्रिपल एच उन्हें वापस लाना चाहते हैं और उन्हें इन्विटेशन भी भेजा गया है। अब देखते हैं दोस्तों बैड बनी का आगे क्या फ्यूचर रहता है। बात कर लेते हैं आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज की। तो गाइस वीर महान का कमेंट आया है ट्राइबल चीफ के ऊपर और लेशनर के ऊपर। ये चीज बोले, वन डे आई विल फाइट रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेशनर, आई विल ब्रिंग WWE टाइटल टू इंडिया, डेफिनेटली 100%। वीर महान दोस्तों ये चीज कहें कि वो एक ना एक दिन रोमन एंड लेशनर को फेस करेंगे, उन्हें हराएंगे, WWE चैंपियनशिप भारत वर्ष में लाएंगे। तो यहाँ दोस्तों उन्होंने काफी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, देखते हैं आगे क्या रहता है। वीर महान का दोस्तों NXT में रिटर्न हो चुका है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि NXT अब आप ट्यून इन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज़ की। और सेकंड लास्ट न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी है दोस्तों एक ह्यूज ट्रिपल थ्रेट मैसेज जो कि हम लोगों को देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया में। तो दोस्तों इस वक्त WWE वाले विचार कर रहे हैं कि रेसलमेनिया में गंथर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू कराया जाए। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि कोई एक फेस करेगा गंथर को शेमस एंड ड्रू में से। तो अब रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है कि ये तीनों एक दूसरे से भिड़ सकते हैं और IC चैंपियनशिप का मैच दोस्तों और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। रेसल वोट्स का दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं और पूरी की पूरी रिपोर्ट आपके सामने। तो अगर ये मैच होता है तो किसे जीतना चाहिए IC चैंपियनशिप को, आपको क्या लगता है बताएं जो। बात कर लेते आज की अपनी मेन खबर की। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों केविन ओवंस के धोखे से जो कि सेमी ज़ेन के ऊपर आ सकता है। तो सेमी ज़ेन दोस्तों एलिमिनेशन चेंबर में फेस करने वाले ट्राइबल चीफ को, आप जानते हैं। और गाइज यहां बात की जाए सेमी की, तो आप ये चीज भी जानते होंगे सेमी रोमन को नहीं हरा सकते। हाँ, सेमी में वो मादा है कि जनता की सपोर्ट के बदौलत वो दोस्तों टाइटल जो अपने कदमों में गिरा सकते हैं अगर उन्हें सपोर्ट आता है, तो डेनियल ब्रायन के जैसे दोस्तों रिएक्ट कर सकते हैं। बट ऐसे देखा जाए तो इतने बड़े बड़े सुरमा दोस्तों रोमन रेंस को नहीं हरा पाए, तो सेमी क्या हराएंगे। तो यहां सवाल उठता है कि सेमी को अगर WWE वालों को वीक नहीं दिखाना है तो क्या कर सकते हैं। तो इस पर दोस्तों रिपोर्ट निकल कर सामने आई है और मैडी पैडॉक के अनुसार दोस्तों जो ओवंस है वो धोखा दे सकते हैं सेमी को, जिसके तहत ओवंस वर्सेस सेमी हो सकता है रेसलमेनिया में। इसके तहत जो रोमन है वो फिर साफ निकल जाएंगे और कोडी वर्सेस रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए हो पाएगा। यहां दोस्तों उनका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं क्या चीजों बोले हैं कि ओवन का सेमी पर हील टर्न करना एलिमिनेशन चेंबर में काफी ज्यादा जो है पॉसिबल लग रहा है। तो यहां दोस्तों बता दूं कि इन दोनों की कभी भी एक दूसरे से नहीं बनी है एंड इस वक्त दोस्तों ओवन्स भी सोच रहे होंगे कि मैंने सेमी को इतना समझाया फिर भी इसके समझ में नहीं आया और अंत में इसने चेयर शॉट जो है अपने बैक पर खाया। वेल दोस्तों यहां हो सकता है कि ये चीज हो, लेकिन अभी तो देखना होगा ये कि कल क्या होता है। कल दोस्तों ट्राइबल चीफ जो है वो सेमी को फेस ऑफ करने वाले हैं, सेमी के इमोशंस हाई होंगे। आपको क्या लगता है कि वहां सेमी ट्राइबल चीफ पर अटैक करेंगे या फिर उल्टा दोस्तों पिट जाएंगे, कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, पसंद आई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बाख।